नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दोस्तों ये हमारा इसरो का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई है जो कि दोस्तों अप्रेंटिसशिप की है। आइए इस वैकेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ITI डिप्लोमा डिग्री इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर हिंदी में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। तो आइए हम लोग इंग्लिश वाले में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर अप्रेंटिस 2022, डेट 21/9/2022। द साइट विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9:30 बजे से 21/9/2022 से। दोस्तों ये आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है, ठीक। रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन ऑनलाइन, रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत दोस्तों यहाँ पर और ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस निकाला गया है जो कि डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों ITI वालों के लिए भी निकाला गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर है, गुजरात साइड में ITI NTC। तो ITI वालों के लिए, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है और अप्रेंटिस सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ठीक। यहाँ पर कहा गया है दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विथ नॉट लेस देन 60% मार्क एग्रीगेट, ठीक। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ कॉमर्स और ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएट अप्रेंटिस बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पर डिग्री मांगा गया इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम विद फर्स्ट क्लास अवार्डेड बाय गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विथ नॉट लेस देन, यानी कि 60% से आपका कम मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि ITI यहाँ पर देखिए फील्ड ट्रेड है, यानी कि दोस्तों ये जो है आपका डिप्लोमा वालों के लिए, नीचे आपका ITI वालों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वालों के लिए क्या बताया गया कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। और यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल इंजीनियरिंग। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, जो भी आप ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों उसमें 60% से कम मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर देखिए ITI वालों के लिए दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस निकाला गया है यहाँ पर दोस्तों। देखिए ट्रेड अप्रेंटिस, तो देखिए दोस्तों आप लोग भी अप्रेंटिस कर सकते हैं जो इस समय ITI पास किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आज आपका ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट सब कुछ आ चुका है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं दोस्तों। आपको अपना कैसा ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 14 नंबर का कह रहा है यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए है, कारपेंटर वालों के लिए है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वालों के लिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के लिए, मशीनिस्ट वालों के लिए, फिटर टर्नर पेंटर जनरल, और इसके बाद लैब अटेंडेंट केमिकल प्लांट और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसके बाद यहाँ पर RAC रेफ्रिजरेशन रेशन एंड एयर कंडीशनिंग वालों के लिए है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड रेडियो टेलीविजन के लिए है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SSC मैट्रिकुलेशन यहाँ पर, यानी कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस दोस्तों आपके पास ITI होना चाहिए या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या रेलिवेंट ट्रेड इशूड बाई NCVT। तो ये आपका जो मतलब वही आपका ITI होना चाहिए प्लस कक्षा 10 पास होना आपका अनिवार्य है, ठीक। तो देखिए जनरल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया कि दोस्तों आपको पर मंथ कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, कह रहे एज लिमिट मिनिमम एज 18 ईयर। तो आपका एज जो होना चाहिए दोस्तों कम से कम 18 साल आपका पूरा होना चाहिए और 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एज की गणना करनी है दोस्तों 9/10/2022 के आधार पर करना है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों मिल जाएगा आपको, 3 साल का छूट मिलेगा OBC वालों के लिए, 5 साल का छूट मिलेगा SC ST वालों के लिए, और एज रिलैक्सेशन PWD वालों को जो भी इंडिया का रूल है उसके द्वारा आपको दिया जाएगा। स्टिपेंड यानी कि दोस्तों आप जब अप्रेंटिस करेंगे तो आपको पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर स्टिपेंड भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले हैं दोस्तों उनको 9,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं टेक्नीशियन यानी कि दोस्तों
आपके डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको 8,000 रुपये है, और ट्रेड अप्रेंटिस जिनका कि दोस्तों 1 साल वाला ITI है, ठीक, 1 साल वाला ITI दोस्तों उनको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, और जो जिनका दोस्तों यहाँ पर 2 साल वाला ITI है उनको 8,050 रुपये पर मंथ दिया जाएगा अप्रेंटिस के दौरान, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का होगा, तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर, तो 1 साल का आपका यहाँ पर अप्रेंटिस होने वाला है। अप्रेंटिस इंग्लिश टू रजिस्टर्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, दोज हू हैव अंडर गो आर अंडर गोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यदि दोस्तों आपने कहीं से अप्रेंटिस कर रखा है, या फिर कहीं से कर रहे हैं, या फिर कहीं से आपका जॉब एक्सपीरियंस है फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, तो आप लोग दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। और देखिए आपको जो यहाँ पर फाइनल होगा दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट जो आपको किया जाएगा दोस्तों, जो भी आपका डिप्लोमा में परसेंटेज है, या डिग्री में है, या फिर ITI में है, या फिर NTC में जो भी आपका परसेंटेज है, उसी के आधार पर दोस्तों आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप लोग अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट हुआ कंप्लीटेड 3 ईयर आफ्टर एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि कह रहे हैं दोस्तों जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जिनका डिग्री या डिप्लोमा या फिर ITI या फिर NTC कंप्लीट किए हुए दोस्तों 3 साल से ज़्यादा हो गया है दोस्तों, वो लोग दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, नॉट एलिजिबल टू अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कैंडिडेट हुआ पास से डिग्री या डिप्लोमा NTC जो अक्टूबर 2019 के इधर जल्दी में पास किए हैं, सिर्फ वही लोग दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। चाहे वो डिग्री वाले हों या डिप्लोमा या फिर ITI वाले हों, अक्टूबर 2019 के इधर जो लेटेस्ट में पास हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए और सब जो कुछ भी है ये सब अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है यहाँ पर देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने डिस्कशन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर फॉर जनरल इंक्वायरी के लिए दोस्तों ये नंबर दिया गया है, फॉर टेक्निकल क्वायरी के लिए ये नंबर दिया गया है, टाइमिंग फॉर इंक्वायरी आपका 10 से 17 बजे के बीच में, अप्लाई कैसे करना है तो अप्लीकेशन शुड बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन ओनली, रीड जनरल कंडीशन या इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन अप्लीकेशन केयरफुल्ली, ऑनलाइन ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली फॉर फिलिंग अप्लीकेशन, ईमेल ID आपका जो रजिस्टर है, यू कैन रजिस्टर ओनली वन यूजिंग दिस ईमेल ID, ठीक है। आपका इसमें देखिए 3 पार्ट में होगा यहाँ पर, और यहाँ पर पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर इन्फॉर्मेशन ये आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो है 14 डिजिट का, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना देख सकते हैं सब कुछ। 9/10/2022 तक दोस्तों प्लीज नोट दैट सिट साइट विल नॉट बी ओपन द प्रिंटिंग आफ्टर, तो आप लोग अपना 9/10/2022 के बाद आप अपना सर्टिफिकेट, उसके बाद आप लोग अपना डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आपको ये 4 साइज पेपर या हेडर या फुटर आप रिमूव्ड पेज फ्रॉम सेटअप, ये सब जो कुछ भी है आप अपने चेक कर लीजिएगा। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, डेटा प्रूफ का 6, 10 या 12 का मार्कशीट, और जो भी आपका डिप्लोमा डिग्री या ITI का मार्कशीट है वो सब लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है लगेगा। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों कि आपको जो फॉर्म भरना स्टार्ट है दोस्तों 21/9/2022 से स्टार्ट है, और 9/10/2022 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम आप लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से यहाँ पर सर्च करिएगा, तो अभी जैसे ही वीडियो समाप्त होगा हम इस PDF को दोस्तों नीचे डाल देंगे, ठीक। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है, इसी नाम से आप सर्च करिएगा आ जाएगा। और आप लोगों के लिए दोस्तों ग्रुप भी बनाया गया है, तो आप लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल और PDF सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4189 स्टूडेंट हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।